एक्टिया स्पाइकेटा की बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है और बॉडी के सिम्टम्स को ठीक करती है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको दिया जाए तो अच्छा रिस्पांस करती है। तो कैसे दिया जाए उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके इंडिकेटर सिम्टम्स क्या हैं, किसके बेसिस पर आप पहचान लें कि एक्टिया स्पाइकेटा ही उसकी रेमेडी है। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है इस तरह से मान लीजिए ऐसे, तो इस पूरे ह्यूमन बॉडी में पल्पिटेशन होता है, थोड़ी देर के लिए यहां वहां होता रहता है, पूरी बॉडी में पल्पिटेशन महसूस होता है, जैसे लगता है पल्स वहां की तेज चल रही है, थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो जाता है। इसी तरीके का पल्पिटेशन क्रियोजोट में होता है और एमाइल नाइट्रोसम में होता है। तो पल्पिटेशन पूरी बॉडी में हो रहा है, थोड़ी देर के लिए कहीं होता है फिर ठीक हो जाता है, यहां पे भी उसी तरीके से है। तो पहला सिम्टम्स क्या है, पल्पिटेशन ओवर होल बॉडी स्पेशली लीवर एंड किडनी रीजन। पूरी बॉडी में पल्पिटेशन तो हो ही रहा है लेकिन लीवर और किडनी के पास ज्यादा हो रहा है। तो ये लीवर है और ये किडनी है ना, लीवर कहां पे है, जो राइट साइड में जो पसली है ना, उसी के जस्ट नीचे साइड में है, क्या है, लीवर। और किडनी कहां पे है, जहां पे जैसे कमर पे हाथ रख के जब खड़े होते हैं तो पीछे साइड में उसी से 1-2 इंच अंदर चले जाइए पीठ की तरफ, तो वहां पे क्या है, किडनी है। तो उस रीजन में और लीवर के रीजन में पल्पिटेशन ज्यादा हो रहा है। अब यूं समझिए कि पल्पिटेशन होता क्यों होगा, उनके ऊपर लोड ज्यादा आता होगा। लीवर का काम क्या है, शरीर के जितने भी अपशिष्ट हैं उनको तोड़ के शरीर से बाहर निकलने लायक बना देना, और किडनी का काम क्या है, फिल्टर कर देना। तो पहला सिम्टम्स इस तरह से है कि पल्पिटेशन ओवर होल बॉडी मोस्टली किडनी एंड लीवर रीजन। दूसरा सिम्टम्स इस तरह से है कि अब देखिए पल्पिटेशन हो रहा है तो इस पल्पिटेशन का स्पेशली क्षेत्र क्या है, किडनी और लीवर है, और जो किडनी है वो यूरिन बनाती है, तो जो यूरिन है दूसरा सेगमेंट है, इसमें व्हाइट सेडिमेंट आते हैं, यानी जब पेशाब कर देता है, पेशाब कर देने के बाद थोड़ी देर में वहां पे हल्का सा सफेद मटेरियल डिपॉजिट दिखता है, यानी कुछ मटेरियल पास हो रहा है। अब यूं समझिए कि कुछ मटेरियल पास हो रहा है, ये दूसरा सिम्टम्स है, सफेद सफेद। अब जो पास हो रहा है वो कुछ क्रिस्टल होगा, यूरेट के क्रिस्टल होते हैं, यूं समझ लीजिए। तो यूरेट के क्रिस्टल पास हो रहा है, तो पास हो रहा है यानी बॉडी में कुछ ज्यादा ही होगा ना, ज्यादा होगा। तो तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो स्मॉल ज्वाइंट्स हैं ना, यानी जो हाथ और पैर की जो स्मॉल ज्वाइंट्स हैं उसमें पेन है, यानी रूमेटिज्म ऑफ स्मॉल ज्वाइंट, ठीक, इसमें पेन होता है, और कलाई में भी दर्द होता है, दोनों कलाई में इस तरह से। कई पेशेंट आके से बताते हैं कि कलाई मुड़ी नहीं रही है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें दर्द करता है थोड़ा सा। तो कलाई में दर्द है, दोनों कलाई में हो सकता है, हाथ पैर की अंगुलियों में दर्द हो सकता है, रूमेटिज्म ऑफ स्मॉल ज्वाइंट्स है, ये तीसरा सिम्टम्स है। और चौथा सिम्टम्स इस तरह से कि थोड़ा सा भी कुछ काम कर दिया हाथ से, तो ये जो हथेली है यानी अंगुलियां और जो कलाई है ये सब थक सी जाती हैं, यानी इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इस तरह से यूं समझिए कि जो स्मॉल ज्वाइंट्स हैं उनकी बेहतरीन मेडिसिन है रूमेटिज्म के लिए, और स्वेलिंग भी आ जाती है। और चौथा सिम्टम्स क्या है कि जल्दी से थकान लग जाती है, फटीग हो जाता है, चाहे लिखना हो चाहे कुछ सामान इधर सुधर करना हो। तो इस तरह से चार कुल बेहतरीन सिम्टम्स हैं इसके, एक्टिया स्पाइकेटा के। इस चार बेहतरीन सिम्टम्स को किसी में भी अगर है तो उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा लीजिए, और इसकी पावर मदर टिंचर यूज करिए, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। तो एक्टिया स्पाइकेटा का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, तो इससे स्मॉल ज्वाइंट्स का जो रूमेटिज्म है वो, और जो सूजन आ जा रही है और जो पल्पिटेशन हो रहा है वो सब ठीक होगा। इस तरह से काम के बाद छोटे से वीडियो में आप इसको जरूर याद रखें जब किसी की कलाई मुड़ जाए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।